यार तो आप इधर आना, इधर कबूतर भी देखो कौन से हैं, प्यारे हैं यार, बहुत प्यारे हैं यार माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार ये है हमारा प्यारा सा सिम्बा और बहुत ही क्यूट है यार, और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इसके यहाँ पर और भी दोस्त मौजूद हैं, छोटी छोटी बकरियां हैं और यहाँ पर उनके साथ ही रह रहा है। लेकिन यार हमारा जो मिशन था ना, आपको पता है हमने लेनी थी बकरियां जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन अभी तक हमें वो नहीं मिली। हमारी कोशिश यही है कि हम लेकर जाएं, ऐसे नहीं जाएंगे यार। हम सिम्बा को इसके दोस्तों के साथ छोड़ देते हैं और यहाँ पर इसके कुछ दुश्मन भी ऐसे हैं यार, वो वाली जो बकरी है ना, हाँ हाँ, सिम्बा को बहुत मारती है और ये डर की वजह से बाहर भाग जाता है। वो मुर्गियां भी है, वो देखें दोस्तों, गंजी मुर्गी बहुत अच्छी है यार, ऐसे लगते हैं मुर्गे है लेकिन है ये मुर्गी। अच्छा, हमारी जो गंजी मुर्गियां ना बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं यार, लेकिन ये वाली गंजी मुर्गी बहुत ये हमारी है यार। क्या कर रही है यार? कौन सी? इस तरह की मारी है नहीं, वाइट वाली। हाँ यार, सेम 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 मुर्गी यार, बिल्कुल हमारी मुर्गी तरह, हाथ में नहीं आने वाली। बहुत चीजें यार, अंधेरा कितना है यार, देहात में ऐसे ही होता है बिल्कुल। हमारा दोस्तों माहौल आपने देखे किस तरह से है, ये देहात का एनवायरमेंट, ये देहात का माहौल। और घर गए यार, बहुत डर लगता है कभी कभी यार, ये सेंग भी मार देती है। और हमारा जो माहौल है शहर में देहात वाला माहौल है, यहाँ पर टोटली देहात है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं यार, ये ना हो कि कोई गाय वाय को गुस्सा आ जाए और हमारे पीठ के पीछे ये सेंग मार दे। निकलो निकलो भाई यहाँ से। चलो भाई, सिम्बा कहाँ छोड़ा है? ये है, चलो ये खेलता रहेगा अंदर ही। भाई एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर सफाई की जरूरत नहीं होती होगी। ये एक बेलचा टाइप उठाना है आपने और इसको बस सीधा कर देना है, हम तो रोज झाड़ू दे रहे होते हैं। भाई इसको पकड़ो, इसने यार तोड़ दिया है अपना। एक मिनट, ये देख रहे हैं, ये जमीन में गाड़ा हुआ था, इसने इतनी इतने ताकतवर है ना, इसे निकाल के ना बाहर निकल गया। बंद करो, ये चीज क्या है भाई, ये क्यों करते थे आप? जरा बताइए, अपनी नॉलेज में इजाफा हो। आग जलती है और अच्छा, आग से फिर खाना भी बनता है। अच्छा, इसको अच्छा, पता नहीं उर्दू में शायद उबले कहते हैं और अच्छा, सैकी में तो इसको गुहे कहते हैं यार, मुझे अच्छा पता है। हर जबान में इसका कोई ना कोई नाम होता है अपना यूनिक सा, और यही तो नेचर है यार, देहाती माहौल ऐसे ही तो होता है। सही बात है, हम लेकिन छत पर ये कुछ नहीं कर कुछ सकते, नहीं कर सकते, नहीं तो हमें यार घर से निकाल देंगे। आ जाओ, ये देखो यार सेम सिम्बा की तरह है, बस थोड़ी सी सेम ब्रीड है ना, सेम टू सेम यार, उसके सींग भी इस तरह के हैं और इसके भी देखो बस थोड़ी सी साइज, बाल भी वैसे हैं, सही ब्लैक कलर है यार, ये हमें दे दो। नहीं, नॉट फॉर सेल भाई। ओके ओके, चलो घूमते रहेंगे तो यार, दोस्ती शोस्ती लगा ली है सिम्बा ने। लेकिन यार सिम्बा को जब हम घर लेकर जाएंगे ना, फिर उधर का माहौल हमारा और है, फिर थोड़ा सा सैड तो होगा लेकिन एक दो दिन के बाद ठीक हो जाएगा। कोई नहीं यार, तो अभी यार हम कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? हम जा रहे हैं वो वाली बकरियां ढूंढने, बहुत पता किया लेकिन अभी हमें कॉल आई है कि आप आ जाएं, हमारे पास कुछ बकरियां हैं आपको हम दिखा देते हैं। तो अभी दोस्तों चलते हैं हम गांव में, एक एक बस्ती में, वहां से हम लेकर आते हैं वो वाली बकरियां, अल्लाह करेगा मिल जाएंगी। तो यार जल्दी से चलते हैं और लेकर आते हैं हम वो वाली बकरियां जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब के छोटे कानों वाली बकरियां। जा तो रहे हैं यार, पता नहीं हम कामयाब होते हैं इस मिशन में या नहीं होते कामयाब, क्योंकि यार ये एक हमारे लिए मिशन बन चुका है, क्योंकि वो जो बकरी है ना बहुत ही नायाब बकरी होती है और उसकी डिमांड भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो चल रहे हैं यार हम लेने वो, और बस चलते हैं यार। तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं और रास्ते बहुत ही ज्यादा खराब हैं, लेकिन क्या करें यार, यहाँ से ही वो मिलेंगी बकरियां। और यहाँ पर देखें मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, कीचड़ है, यहाँ पर हमारी गाड़ी फंस भी सकती है और अगर फंस गई तो फिर निकल नहीं पाएगी। तो यार दूर तक कोई बंदे का नामो निशान भी नहीं है, कोई हेल्प करने भी नहीं आएगा यार। यार बस दुआ करें कि हम बस पहुंच जाएं जैसे कैसे, जितना रुकावटें आ रही हैं ना हमने झेल लेनी है, लेकिन बकरियां लेकर जानी है हमने अपने गोट फार्म में रखनी है। तो चलते हैं यार, यहाँ पे फंसेंगे भाई पक्का यार, वाला क्रॉस कर लें हम बस। निकला है, शुक्र है। अगर यहाँ पर फंसे ना भाई, कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए, बस हम खुद ही अपनी मदद कर पाएंगे। और यहाँ से देखें गाड़ी निकल गई है, धक्का भी लगा लेता हूँ यार थोड़ा थोड़ा मैं, देखें गाड़ी फंस गई, आगे आगे नहीं जा रही। ओए ओए, ये देखें फंस गया भाई, जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया यार। देखें टायर फंसा हुआ है, अब ना आगे जा सकते ना पीछे, धक्का लगाते हैं यार हम दोनों में और थोड़ा। चलो जी
जा रही है जी, जा रही है। निकल गई भाई, गिर गए। आप का हाल देखे यार, हालत चेक करें गाड़ी की। ओए होए होए, धुलवानी पड़ेगी, आज ही धुलवाई थी यार। हम समझ रहे थे कि ये आखिरी धक्का था, पीछे जो आपने देखा था ना, लेकिन अब फंस गए। उससे भी बहुत गहरा ये कीचड़ का गड्ढा है यार, फंस गए। और हम अब यार हम कोशिश कर रहे हैं धक्का लगाने की, और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको, और हमारी हालत भी खराब हो जाएगी। पकड़ो यार, मैं मोबाइल रख रहा हूँ। तो फाइनली यार हमारी हालत चेक करें। जूते ले आओ यार अपने। हमने पीछे एक बंदे से पूछा था कि आगे कोई रास्ता खराब तो नहीं, उसने कहा नहीं नहीं आगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखिए ये था, आखिर हमने निकाल लिया, शुक्र है यार। हम वापसी पे ना कोई और कोई रास्ता निकालेंगे, कोई यहाँ से दोबारा नहीं आएंगे। तो यार यहाँ पर पाँव को साफ कर रहे हैं हम, मैंने तो कर लिए, अभी तुराब की बारी है। यहाँ पर एक जगह थी, घर था, तो भाई ने हेल्प की हमारी कार निकालने में भी, और भी पाँव भी साफ हो रहे हैं, चेक करें यार। तो यार हाथ पैर मुंह धोकर हम वापस जा रहे हैं जहाँ पर हमने जाना था। तो हमारी गाड़ी सामने खड़ी हुई है, और पीछे वाला रास्ता खराब जो था हमने वो पार कर लिया बिल्कुल, और अब हम जा रहे हैं वापस। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। तो यार यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, मौसम भी अच्छा हो गया है, और मेरे ख्याल में भाई बकरी भी लेकर आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बकरियाँ पोशितान है यार, ये बकरी भाग गई है, अभी पकड़ रहे हैं इसको, वो देखें आ गई जिनका इंतजार था, यही वो बकरियाँ हैं यार। कभी कौन सी ला रहे, कभी कौन सी ला रहे, यही चाह रहे थे। चलो भाई उठाओ, एक तो ये लिए भाई साहब, एक ये लिए, रखो रखो अंदर जी भाई। चलो भाई अपने घर से जुदा हो रही हैं ये, ठीक है थोड़े। ओहो यार, इतना मुश्किलों से हम उस बस्ती से निकले हैं ना, ये गाड़ी का आप हाल देख सकते हैं, सारी मट्टी मट्टी हो गई है, रास्ते क्योंकि बहुत ज्यादा खराब थे और हम दोबारा से फंस चुके थे। लेकिन क्या करें यार, वहां से निकलना बहुत जरूरी था क्योंकि अब रात होने वाली है, और हमने बकरियां भी ले ली हैं। माशाल्लाह यार हमने दो बकरियां ली हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी बकरियां, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जो मैं चाहता था ना दोस्तों, वही बकरियां मिल चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको उसी घर में लेकर जाएंगे जहाँ पर हमारा सिम्बा मौजूद है। तो चलते हैं दोस्तों, इनको भी नहलाने भाई, ये भी मैली हो गई है, अभी वाइट नहीं है उतना जितना है ही। हाँ यार इनको भी हम नहला लेंगे, तो अभी फिलहाल हम जाते हैं, अभी तो थोड़ा सा रास्ता बाकी है, तो टाइम जाया नहीं करते दोस्तों, चलते हैं। ओ भाई यार, ये नई जगह पे आ गई है ना, इसको पकड़ो भाई यार, इसको अंदर लेके जाओ। यार काफी भारी है ये तो, रस्सी भी नहीं बांधी ना, रस्सी मैंने खोल दी थी। तो चलो जी यार, फाइनली हमने बकरे ले लिए हैं, और बहुत ही मेहनत के बाद हमें ये वाली बकरे मिली हैं जो हम चाहते थे यार, और बहुत ही क्यूट हैं। ये देखें दोस्तों, यही मैं चाहता था, इसी तरह के कान और इसी तरह की आंखें। ये गुलाबी नस्ल है ना, क्यूट है यार, गुलाबी और नुकरी, नुकरी होती है ना ये, नुकरी ना, हाँ नुकरी नस्ल की यार। गुलाबी कैसे पता चलता है, क्या मतलब, ये तो व्हाइट कलर है। नहीं नहीं, स्किन जो होती है ना ये गुलाबी गुलाबी टच देती है ना, फिर अच्छा। फिर वो फिर इसी वजह से गुलाबी। अच्छा 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 अच्छा, ये भी गुलाबी है ना। हाँ दोनों गुलाबी है दोस्तों, और ये जो बकरी है ना ये इसकी माँ है, सेम टू सेम, लेकिन अभी बच्ची है, लगती नहीं है कि ये माँ बन चुकी है, लेकिन ये माँ है इसकी, ये नस्ल ऐसी है ना बिल्कुल। तो इनका कद दोस्तों इतना ही रहता है। तो चले यार हम इनको थोड़ा सा घास की तरफ लेकर आते हैं, क्या पता ये इस तरह के और भी है ना यहाँ पर, यहाँ पर मिलते जुलते, वो देखें सेम टू सेम है, ऐसे लगते हैं हमारी घूम रही है, लेकिन वो और है, एक ये एक ये एक वो बैठी है नीचे, तीन और दो ये पांच, पांच एक ही नस्ल की बकरी यहाँ पर मौजूद है, और एक दो हमारी हैं बाकी। हाँ ये भी है, ये देखो ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, इनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। और ये हमारी कहाँ गई, गुम हो गई, इससे मिक्स हो गई, ये दो ठहरी हैं, चुप चुप ठहरी हैं, नहीं आई है ना इसलिए। तो अभी यार हम इनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। चलो जी सिम्बा भी आ गया,
ये अब हमारी 3 बकरियां आ चुकी हैं। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।